क्लास थ्री आवर बॉडी लेसन में पिछली वीडियो में हम स्केलेटन सिस्टम देखे थे, जो का मतलब होता है कंकाल तंत्र। ये हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, ये किस तरीके से हमारे बॉडी को हेल्प करता है, हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट कर, ये सब कुछ हम देख चुके थे। उससे पहले हम ऑर्गन सिस्टम, सेल, टिश्यू, ये सारी चीज़ों के बारे में पिछले वीडियो में देख चुके थे। जो भी अभी तक नहीं देख पाए हैं वो हमारी इस पिछली वीडियो में जाएँ और उसको ज़रूर देखें। आज हम मस्कुलर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे कि मस्कुलर सिस्टम क्या होता और किस तरीके से ये हमारी बॉडी में काम करता है, हमें हेल्प करता है। मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स। मस्कुलर सिस्टम किसका बना है? मसल्स का बना है, मांसपेशियों का बना है। द मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम इज़ टू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। और मस्कुलर सिस्टम का मेन काम यह होता है कि ये हमारी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी हमारी बॉडी के चलने में मदद करता है। जो हम चलते हैं, ये सभी काम जो हम अपने महत्वपूर्ण काम करते हैं, उन सभी में मस्कुलर सिस्टम हमें मदद करता है। फॉर दिस रीज़न, इसी रीज़न की वजह से, इसी कारण की वजह से मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स। मसल्स जो होते हैं मांसपेशियाँ, वह बोन से कनेक्ट होते हैं। इन ऑर्डर टू मूव अ बॉडी पार्ट द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, टाइटन अप एंड रिलैक्स। जब क्या होता है कि जब हम अपने बॉडी, किसी भी बॉडी के पार्ट को मूव कराते हैं, तो मसल क्या होता है, टाइट हो जाता है और फिर रिलैक्स हो जाता है। जब हम अपने मसल्स को मूव कराते हैं, कोई भी बॉडी पार्ट को मूव कराते हैं, तो मसल्स क्या होता है, टाइटन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ता है और फिर क्या हो जाता है, वह अपने रिलैक्स पोजिशन पर आ जाता है। सम मसल्स मूव ऑन देयर ओन, और कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप मूव करते हैं। वी हैव नो कंट्रोल ओवर देन, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। द मूवमेंट ऑफ अदर कैन बी कंट्रोल बाई अस, और कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं हमारे बॉडी के जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। द मसल्स दैट कंट्रोल द बीटिंग ऑफ हर्ट मूव कॉन्टिन्यूसली ऑन देयर ओन। जैसे हर्ट का बीट करना, हमारा हृदय क्या होता है, वह बीट करता है, तो वहाँ भी क्या होता है, हर्ट मसल्स काम करते हैं, जिसे कार्डिक मसल्स कहते हैं हम। वहाँ पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वह अपने आप काम करता है। द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर हैंड मूव ओनली वैन वी वॉन्ट टू देम। और जो हमारे हाथ का मसल्स हो गया, पैर का मसल्स हो गया, ये सभी मसल्स क्या है, इसको हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। हम अपने हाथ को अपनी इच्छा के अनुसार हिलाते हैं, पैर को अपनी इच्छा के अनुसार हिलाते हैं, लेकिन जो हमारे हार्ट मसल्स होंगे, कार्डिक मसल्स होंगे, वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होंगे, वह स्वतः कार्य करते हैं। तो हम मस्कुलर सिस्टम में देख लिए, इतना ही है। हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीज़ से मिला होता है? हार्ट, हार्ट मतलब हो गया हृदय, ब्लड वेसल्स मतलब हो गया खून वाली नली, और ब्लड मतलब होता है खून। इन तीनों से मिलकर बना होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या हो गया कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? हार्ट से मिलकर बना है, हृदय से, ब्लड से और ब्लड वेसल्स से, यानी खून से, खून की नलियों से और हृदय, इन तीनों चीज़ों से मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़ा है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यानी आना जाना होता है। द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरी अवे वेस्ट प्रोडक्ट। इसका मेन फंक्शन क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को, जो ऑक्सीजन होता है और जो पोषक तत्व होता है जो हमारी पूरी बॉडी का, उसको क्या करता है, ये कैरी करता है, हमारी बॉडी में पहुँचाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको भी हमारी शरीर से बाहर करने में मदद करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का ये काम होता है। द हार्ट इज़ अ मेजर ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हार्ट ये है, ये हार्ट हमारा है, ये हमारा मेजर ऑर्गन है। क्या है? मेजर ऑर्गन यानी महत्वपूर्ण ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? यह बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, मेजर ऑर्गन है। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड देन बैक टू द हार्ट। ब्लड वेसल का काम क्या करता है? ब्लड वेसल हमारे हार्ट से ब्लड लेके पूरे शरीर में ले जाता है, फिर पूरे शरीर से वापस ये हमारे हार्ट में जाता है, और इस तरीके से हमारा हार्ट पंप करता है और ब्लड हमारा प्यूरीफाई होता है। अब हार्ट किस तरीके से कार्य करता है, इसको हम अपने अगले क्लास में देखेंगे। फिलहाल हम यही देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और इसका फंक्शन क्या है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? हार्ट से मिलकर बना है, ब्लड से मिलकर बना है और ब्लड वेसल्स, इन तीनों से मिलकर बना है। और इसका मेन काम ये होता है कि हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में पहुँचाता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट वो हमारे शरीर का पाता है, उसको हमारे शरीर से बाहर करने में भी मदद करता है। अब देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम किससे संबंधित है? सांस लेने वाले सिस्टम से संबंधित है। जो सिस्टम हमारे सांस लेने में मदद करता है वो क्या हो गया? वह रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया। अब इसको देख लेते हैं। द रिस्पायरेटरी सिस्टम दैट
द सिस्टम डैट डील्स विद ब्रीथिंग इज नोन एज रिस्पायरेटरी सिस्टम। वह सिस्टम जो हमारे सांस लेने से संबंधित है उसी को रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को ऑक्सीजन प्रदान करता है, देता है। द रेस्पायरेटरी सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ माउथ। ये किन किन चीज़ों का मिलकर बना हुआ है, माउथ का, नसल पेजेस नाक का और नाक में पाए जाने वाले जो भी नली वगैरह है उनसे, थ्रॉट गले का, और विंड पाइप। ये विंड पाइप हो गया, ये नीचे की तरफ जो नाक से हमारे मिलते हुए पाइप हमारे फेफड़े में जाती है उसका, और लंग्स का। लंग्स मतलब हो गया फेफड़ा, यानी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो इन सभी चीज़ों का मिलके बना हुआ है। किन किन चीज़ों का, माउथ, नसल, फेस, थ्रोट, विंड पाइप और लंग्स, इन सभी चीज़ों से मिलके रिस्पायरेटरी सिस्टम बना है, यानी सांस लेने वाला सिस्टम बना है। वी यूज मोस्टली आवर नोज एंड सम टाइम आवर माउथ टू ब्रीथ। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने नाक का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, और कभी कभी मुँह का भी इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में क्या होता है, कभी कभी हमारी नाक एकदम चकड़ जाती है बुरी तरीके से, तो हम अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं ना। द एयर मूव्स डाउन थ्रू विंड पाइप एंड रीचेस द टू लंग्स। इसी विंड पाइप, ये जो विंड पाइप बनी हुई है, एयर क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं नाक या मुंह से, तो वो एयर हमारे मुंह से और नाक से हमारे अंदर जाती है, बीच में वो जो विंड पाइप पाया जाता है उसके सहारे हमारे दोनों लंग्स में पहुँचती है। अब देखते हैं राइट ब्रीथिंग हैबिट, यानी सांस लेने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से हमें सांस लेना चाहिए, तो वह सही तरीका। इसके साथ साथ देख रहे थे बिंगोज नॉलेज बैंक को, पहले इस वाले को। लंग्स आर कोन शेप्ड एंड स्पॉन्जी। लंग्स का शेप कैसा होता है, कोन की तरह होता है, आइसक्रीम के कोन की तरह, स्पॉन्जी होता है छूने में, स्पंजी होता है छूने में, दबने जैसा होता है। दे एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एज वी ब्रीथ। तो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो सिकुड़ता है फूलता है, सिकुड़ता है फूलता है, इसीलिए कहते हैं स्पंजी होता है। ब्रीथिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहता है। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। इस पूरे प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम ऑक्सीजन गैस लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। और इसके साथ साथ